हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर सूरदास के पद। इसमें आज मैं आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस बता रही हूँ, जो मुझे क्वेश्चंस थोड़े इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वही क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो यहाँ चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गोपियाँ जो थी श्री कृष्ण के ब्रज क्षेत्र से चले जाने के कारण परेशान थी, यानी कि जब कृष्ण भगवान ब्रज में थे तो वहाँ से वो मथुरा चले गए थे, इसके वजह से उनकी विरह में गोपियाँ कुछ परेशान थी। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि उद्धव जी को भेज देते हैं और उन्हें कुछ योग का संदेश भेज करके गोपियों की थोड़ी मन की शांति कर देते हैं। तो फिर गोपियां जो हैं योग को संदेश सुनना नहीं चाहती हैं, और यही प्रसंग जो है इन पदों में बताया गया है। गोपियां क्या नहीं सुनना चाहती थी, पहला प्रश्न यही आ जाता है। तो गोपियाँ जो हैं संदेश जो लेकर के आए थे उद्धव जी, योग का संदेश वह सुनना पसंद नहीं करती थी। सबसे बुरी बात उन्हें ये लगी कि उद्धव जी योग का संदेश लेकर के क्यों आए हैं। फिर प्रश्न आ जाता है कि हारिल पक्षी की क्या विशेषता है। हारिल पक्षी जो होता है एक कबूतर के जैसा छोटा पक्षी होता है, जो हमेशा पैरों में लकड़ी को पकड़ के रखता है और वो सोचता है कि इससे वह गिरेगा नहीं। तो गोपियां जो थी हारिल पक्षी की तरह कृष्ण भगवान के सहारे पर रहती थी। फिर प्रश्न आ जाता है चाहती होती गुहारी, इसमें गुहारी शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो गुहारी शब्द है ना इस क्वेश्चन में, वह रक्षार्थ पुकारने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम संकट में होते हैं तो किसी को पुकारते हैं तो उसको बोलते हैं गुहार लगाना, तो यहीं पर उस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे इस भाषा में ब्रज भाषा में गुहारी शब्द के तरीके से प्रयोग किया गया है, रक्षा के लिए पुकारना। उसके बाद प्रश्न आ जाता है ये वाला प्रश्न, गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया था। तो गोपियों का मन चुरा कर के कृष्णा ले गए थे, सही जवाब कृष्णा है। उसके बाद प्रश्न आ जाता है गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था। तो कृष्णा जो थे पहले से ही चतुर थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है किसके ना आने से गोपियाँ व्याकुल हैं। तो कृष्ण के नहीं आने से गोपियाँ व्याकुल हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरई, इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखो ज्यों शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है तो उपमा की गई है, ज्यों मतलब जैसा। जब जैसा शब्द का हम प्रयोग कर लेते हैं भाषा चाहे कोई भी हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। अगर उपमा अलंकार को सरलता से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जब किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उन्हें जोग का संदेश कैसा लगा, बिल्कुल करुई ककड़ी के जैसा लगा। तो यहाँ पर तुलना हो गई संदेश की और ककड़ी की, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। बिरहिनी बिरह दधी, इसमें दही का क्या अर्थ है। दहना होता है जलना, आग में जलना, तो यहाँ पर दही का अर्थ है जलना। अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ पर तगाते का अर्थ है धागे से, स्नेह के धागे से बंधते नहीं हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है अवधि अथा आस आवन की, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न आ जाता है कि उतते धार बही में किस चीज़ की धार बहती है। तो योग की धार की बात यहाँ पर की गई है। हारिल कौन है, प्रश्न आता है कि हारिल कौन है। तो हारिल एक पक्षी है। समुची बात कहत मधुकर के में मधुकर कौन है। मधुकर यहाँ पर उद्धव जी को कहा गया है। मधुकर का वैसे तात्पर्य भौंरा होता है, लेकिन यहाँ पर उद्धव जी को व्यंग्य जो है उसके लिए मधुकर कहा गया है, भौंरा कहा गया है। उसके बाद प्रश्न आता है कि योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा। योग का संदेश उन्हें कैसा लगा, कड़वी ककड़ी के जैसा लगा। गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन हो गया है।
तो उनके अनुसार राजनीति में निपुण कृष्ण हो गए हैं। गोपियों के लिए व्याधि क्या है? व्याधि यानी बीमारी होती है, रोग होता है, किसी भी प्रकार का रोग जो होता है वह, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो व्याधि यहाँ पर रोग है।